कार्यक्रम के सहयोगी है स्वयंभू सीपी टैंक मुंबई 4 एवं श्री लक्ष्मी नारायण पूजा वस्तु भंडार माधव बाग मुंबई 4। आज इस गणेश पर्व के ऊपर यहाँ पर जो गणेश विसर्जन चल रहा है उसमें दुनिया से गणेश भक्त और पर्यटक यहाँ पर आए हैं और विशेष रूप से थाईलैंड से एक ग्रुप आया है जो जिस प्रकार से इतनी ऑथेंटिक आरती उन्होंने यहाँ पर गाई है और ये लोग गणेश म्यूजियम भी चलाते हैं जहाँ पर श्री गणेश के अलग अलग प्रकार के की मूर्तियां उनके अलग अलग आविष्कार हमको देखने को मिलती है। तो एक और दुनिया के गणेश भक्त यहाँ आ रहे हैं और विशेष रूप से मैं हमारे पर्यटन मंत्री का अभिनंदन करना चाहूंगा। 2 साल से उन्होंने ये उपक्रम शुरू किया और अब जो हमारा ये गणेश पर्व है ये ग्लोबल हो गया है। दुनिया भर के सैलानी आज यहाँ पर आते हैं और गणेश जी की आराधना करते हैं और मुझे लगता है ये जो वातावरण तैयार हो रहा है, जो उत्सव तैयार हो रहा है और वो लोग भी अचंभित है। हजारों लाखों लोग अनुशासन के साथ यहाँ पर जब गणेश मूर्ति का विसर्जन करते हुए वो देखते हैं तो इससे भारत की साख भी बढ़ती है, महाराष्ट्र और मुंबई की साख भी बढ़ती है और इसलिए मुझे लगता है एक बहुत सुंदर पर्व यहाँ देखने को मिला है। थैंक यू। पर्यटन विभाग का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं महानगर पालिका का अध्यक्ष बना और मेरे मन में अच्छी ऐसी इच्छा हुई कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हम क्यों नहीं करें। सारी दुनिया में अपने गणपति गया है, पहुंचा है, मगर और भी उसको बड़ा करने की जरूरत है। इसलिए हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का शुरुआत किया। महानगर पालिका ने इतना बड़ा पेंडॉल लाउंज इधर बना के इसके साथ ही गणपति का जो विसर्जन जो मुंबई में सबसे बड़ा कहीं होता है तो वो चौपाटी पे होता है।